अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाइयों पे भी बहुत दिल लगा के फोकस कर रहे होंगे, वीडियोस टाइम पे देखते होंगे और साथ साथ आई एम श्योर आप लोग अपने होमवर्क्स टाइम पे कंप्लीट करते हैं और टाइम पे सबमिट भी करवा देते हैं जब टीचर्स कॉल करती हैं अच्छे बच्चों की तरह, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने आए हैं मैथ्स में, अब अपनी बुक्स निकाल लीजिए पेज नंबर 80 ताकि हम देखें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पेज 80 पे आप देखेंगे देयर इज़ अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे आज हम। क्या आप एक्साइटेड हैं? वेरी गुड। मगर चैप्टर न्यू शुरू हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीवियस वीडियोस भूल जाएंगे। नो, यू हैव टू कीप गोइंग थ्रू प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करते रहा करें। प्रैक्टिस से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आने लगेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 80 पे हमें क्या कहा जा रहा है करने को। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, रीड करते हैं और देख समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मच, चैप्टर का नाम क्या है, हाउ मच, कितना ज़्यादा। सम पीपल आर टॉल, कुछ लोग लंबे होते हैं कुछ लोग छोटे होते हैं, है ना। देर आर सो मैनी पीपल हु हैव, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, और कुछ छोटे बेबीज भी होते हैं जिनकी हाइट कम होती है। दे नीड लॉन्ग क्लोथ्स, जो लोग लंबे होते हैं उनको लंबे कपड़े चाहिए होते हैं ना। सम पीपल आर शॉर्ट, कुछ बेबीज छोटे होते हैं और उनको शॉर्ट कपड़े चाहिए होते हैं। दे नीड स्मॉल क्लोथ्स, उन्हें क्या चाहिए होते हैं, छोटे छोटे कपड़े, स्मॉल क्लोथ्स। लॉन्ग एंड स्मॉल टेल अस लेंथ, लॉन्ग एंड स्मॉल से हमें क्या पता चलता है, लेंथ, वेरी गुड। एंड टॉल एंड शॉर्ट टेल अस द हाइट, बेसिकली हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, लॉन्ग शॉर्ट देयर हाइट देयर लेंथ देयर वेट एंड देयर कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग एंड स्मॉल टेल अस द लेंथ, लॉन्ग एंड स्मॉल हमें क्या बताता है, लेंथ। टॉल एंड शॉर्ट टेल अस द हाइट, टॉल हमें क्या बताता है कि हाउ लॉन्ग अ पर्सन इज, कितना लंबा है, कद कितना उनका टॉल है। एंड शॉर्ट टेल अस द हाइट, ऑब्वियसली टॉल एंड शॉर्ट हमें क्या बताते हैं, हाइट। और लॉन्ग और शॉर्ट से हम लोग क्या रिलेट करते हैं कि भाई इनको स्मॉल क्लोथ्स चाहिए होंगे, इनको बिग क्लोथ्स चाहिए होंगे, है ना। आइए देखते हैं पेज नंबर 81 पे हमें क्या समझाया जा रहा है। पेज नंबर 81, दिस बॉक्स इज फुल ऑफ थिंग्स, इट इज़ वेरी हैवी। अब पेज नंबर 81 पे हमें क्या सिखाया जा रहा है, वेट और कैपेसिटी के बारे में। आइए देखते हैं वेट किसे कहते हैं, कैपेसिटी किसे कहते हैं। अब बेबी हैं एक यहाँ पे बने हुए और उनके पास इतना हैवी बॉक्स पकड़ा हुआ है ना। दिस बॉक्स इज़ फुल ऑफ थिंग्स, ये बॉक्स फुल ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बेबी की शक्ल से भी लग रहा है कि उनका फेस बड़ी हैवी है, चीज़ बड़ी भारी उनसे पकड़ी नहीं जा रही, इट इज़ वेरी हैवी। अब हम ये देख के बता सकते हैं कि चीज़ तो बहुत हैवी है ना। हैवी एंड लाइट टेल्स अस द वेट, अब कोई चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है वो हमें क्या बताती है, वेट। अब अगर जब आप स्कूल जा रहे होते हैं आपका बैग बहुत हैवी होता है, आप कहते हैं अम्मी मेरे शोल्डर्स में बहुत दर्द हो रहा है आप पकड़ लें, क्योंकि उसका वेट बहुत भारी होता है ना। और अगर कोई चीज़ बहुत हल्की होती है तो सब कहते हैं ये तो बहुत हल्की है मैं तो पकड़ लूँगा ये तो बहुत हल्की है। तो जब कोई चीज़ कितनी भारी हो या कितनी हल्की हो हम उसको क्या कहते हैं, उसको वेट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वेट, ओके। द जग इज़ फुल, द जग इज़ हाफ फुल ऑफ जूस। अब एक इतनी प्यारी लड़की खड़ी है उनके पास एक जग है
और वो क्या कह रही हैं, द जग इज हाफ फुल ऑफ जूस. अब जग के अंदर वो बेबी क्या लेके खड़ी हैं, जूस है, हाफ फिल हुआ हुआ है. इट कैन स्टिल होल्ड मोर. अब जो गर्ल है इनके पास जो जग है ना जूस का, अब इसमें तो और भी जूस आ सकता है. उनके पास जो पकड़ा हुआ है वो तो सिर्फ हाफ फिल है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ द फुल अमाउंट दैट समथिंग कैन होल्ड इज इट्स कैपेसिटी. अब अगर एक बैग है, आप जब स्कूल जाते हैं तो आप कहते हैं अम्मी इसमें सिर्फ दो बुक्स हैं, इसमें बहुत सारी जगह है, आप और भी बुक्स डाल दीजिए. तो उसका क्या मतलब हुआ, बैग के अंदर और कैपेसिटी है. जैसे ये गर्ल खड़ी हैं, इनके पास एक जग पकड़ा हुआ है और वो हाफ फिल है, तो अब आप क्या कहेंगे कि जग में और कैपेसिटी है, इसमें और जूस आ सकता है. तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, द फुल अमाउंट दैट समथिंग कैन होल्ड, वो पूरी तादाद जो कोई चीज़ हैंडल कर सके. इतना आसान है. अब आपने घर में क्या करना है, बेसिकली प्रैक्टिस करनी है. अब आप क्या करेंगे, आप भी जग ले लीजिए, ठीक है, और जग को हाफ फिल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि अम्मी इट हैज़ मोर कैपेसिटी, इसके अंदर और कैपेसिटी है. अब जग को फुल करके भी चेक कीजिए कि इट डज़ नॉट हैव एनी मोर कैपेसिटी बिकॉज इट इज़ फुल. आपने इस तरह से चीज़ों को रिलेट करना है. एक स्मॉल बॉक्स लीजिए, एक हैवी लीजिए, उसको उस तरह प्रोनाउंस कीजिए कि इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है. पेंसिल से चेक कीजिए, कॉपी से रिलेट कीजिए. आपने प्रैक्टिस करनी है घर में, और ये दो न्यू वर्ड्स सीखे हैं आपने, न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, कैपेसिटी, वेट एंड हाइट, लेंथ. ठीक है प्यारे बच्चों, उसकी प्रैक्टिस घर में ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ पेज नंबर 82 पे लेंथ के कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, एक स्टोरी गिवन है, वो भी होमवर्क में आपने स्टडी करनी है. और साथ साथ जो जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो आपने ख़रीद के रखनी हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टडी करें तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिएगा. खुदा हाफिज़.